हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे ठाकुर जी, आज हमने इनको जो स्नान कराया है उसकी विधि आपको दिखाएंगे। हमने इनको कैसे स्नान कराया, और ये इनका डेली का स्नान है। जब आप पंचामृत से स्नान कराएं तो वो आप कभी कभी कराएं, डेली करा सकते हैं तो ज़रूर कराएं, नहीं तो एकादशी पर और किसी विशेष तीज त्यौहार पर तो ज़रूर कराएं। लेकिन जो आज हमने स्नान कराया, वो हमने सिंपल पानी से स्नान इनको कराया है, और ये हमने डेली रूटीन के हिसाब से किया है। तो आज हम ये शेयर करेंगे आपके साथ। ठाकुर जी का आप जो भी काम करें, बिल्कुल प्रेम से, प्रेम और बस प्रेम से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और ये देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे हमने इनको स्नान कैसे कराया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम एक जगह कान्हा जी का पूरा सामान जो है श्रृंगार का वो रख लेंगे। ये ड्रेस, परफ्यूम और ये काजल वगैरह सब हमने एक साइड रख लिया है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए, हम इस तरह का कोई बर्तन ले लेंगे बड़ा सा, और उसमें हम ये जो चंदन है उससे स्टार बना लेंगे। देखिए, ये हमने ट्रायंगल बना लिया सबसे पहले। इस तरह से, और बीच में हम इसमें जो है ओम लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने स्टार बना लिया है, और बीच में हमने ओम लिखा है। और ये देखिए, जो ये कोने हैं हम इन पर लिखेंगे नारायण नमः, हमने वो लिख दिया है। और यहाँ पर हमने एक एक तुलसी का पत्ता अर्पित किया है। अब हम अपने लड्डू को लेकर आएंगे। अपने ठाकुर जी को इसमें हमने बैठा लिया, थोड़ी सी इनकी जो सेवा है वो करेंगे। इस तरह से, और अपनी ये चंदन पाउडर है, इससे हम थोड़ा सा स्क्रब करेंगे इस तरह से। इनकी पूरी बॉडी पर हम स्क्रब करते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे। ये देखिए, पूरे शरीर पर हमने ये कान्हा जी के मालिश कर दी है चंदन पाउडर से। फ्रेंड्स, गर्मियाँ बहुत हैं, कभी कभी आप इनकी दही से भी मालिश किया करें सुबह स्नान से पहले। पूरे शरीर पर हमने इनके मसाज कर दी है, अब इनको नहलाएंगे। गर्मी है तो ठंडा जल, और सर्दी हो तो आप थोड़ा गर्म पानी लें, मौसम के हिसाब से आप पानी लें। नमो नारायण हरे हरे गोविंद हरे 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 मुरारी हे नाथ नारायण त्रिपुरारी हरे हरे बोल हरे मुरारी हरे हरे बोल हरे मुरारी राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोला जाएंगे बिहारी, राधे राधे बोला जाएंगे बिहारी। देखिए हमने लड्डू बाबू को स्नान करा दिया है, अब इनको टॉवल से हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। और ये जो पानी है इसको हम, आप चाहें तो पी सकते हैं, पी लें तो बहुत अच्छा है, वरना ये जो जल है आप इसको पौधों में दीजिए, ऐसे ही वेस्ट मत करना। और ये जो तुलसी के पत्ते हैं वो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ये देखिए ठाकुर जी को हमने नेपी पहना दी है और अब हमने इनको गद्दी पर बैठा दिया है। आपको नीचे नहीं बैठाना है, किसी गद्दी पर बैठाएं या सिंहासन पर। तो अब हम इनको इनके पोशाक पहनाएंगे और इनका श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले ये पोशाक पहनाएंगे, फिर इनका हम नेकलेस पहनाएंगे, देखिए थोड़ा सा इस तरह पहनाएं ताकि ठाकुर जी के गले पर ना लगे। इनके कंगन पहनाएंगे, देखिए, और इनके जो टोप्स है वो इनको ही पहना देंगे। टोप्स पहना दिए, अब देखिए इनकी विगिन को पहनाएंगे। और माथे पर इनके लगाएंगे एक बिंदी सुंदर सी, जब मैं इनको पूजा करने के लिए जाऊंगी तो माथे पर एक चंदन का टीका जरूर लगाऊंगी। देखिए इनकी बिंदी, और अब हम इनको इनका मुकुट पहनाएंगे। अब इनको काजल भी लगाएंगे, और फ्रेंड्स अपने लड्डू को काला टीका लगाना बिल्कुल ना भूलें, वो ज़रूर लगाएं ताकि हमारे ठाकुर जी को किसी की नज़र ना लगे। और अब हम इनका ये मोर पग इनकी पगड़ी पर लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, और लगाएंगे ये परफ्यूम। परफ्यूम कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ज़रूर लगाएं। देखिए कान्हा जी हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको फूल अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स फूल अर्पित ज़रूर करें कान्हा जी को, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो, ना हो तो मजबूरी है। देखिए सबसे लास्ट में हम इनको जो तुलसी पत्ता है वो अर्पित करेंगे। ये सबसे पहले पत्ता हम, ये देखिए हमने इस पर वो चंदन लगा दिया है, और इनके लड्डू पर इसको चिपका देंगे चंदन से ताकि ये ना गिरे। एक पत्ता तो हम यहाँ पर रखेंगे और एक रखेंगे इनके मस्तक पर, ये देखिए इस पर भी हमने चंदन लगाया है, इसकी वजह से गिरेगा नहीं। यहाँ पर रखेंगे, दो पत्ते हो गए, पत्ते हो गए, ये देखिए तुलसी जी के 11 पत्ते कान्हा जी को जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और सबसे लास्ट में हम इनको इनकी बांसुरी, देखिए इनकी बांसुरी इनको देंगे। और ये देखिए अब हमारे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इनको पूजा के लिए लेके जाएंगे। फ्रेंड्स आप बताएं हमारे ठाकुर जी आपको कैसे लगे। ये देखिए फ्रेंड्स आज हमने लड्डू को जैसे तैयार किया वो सारी विधि आपके साथ शेयर की। फ्रेंड्स बताइए आपको हमारे लड्डू कैसे लगे। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।